अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। क्यों भाई? हाँ, कल हमारा चैप्टर जो ख़त्म हो गया, बाब नंबर 4 जो है हमारा ख़त्म हो गया है। हमने तख्लीकी लिखाई ख़त्म कर ली है, तो उसका मतलब क्या है कि अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जी, बाब नंबर 5। बाब नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और उसकी मशक करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं हम लोग? जी, उस सबक में मौजूद, उस बाब में मौजूद जो नए नए अल्फाज होते हैं, जो हमारे लिए बिल्कुल नए होते हैं, उनको पहले समझते हैं, पढ़ते हैं, है ना? क्यों? जी, इसलिए ताकि हमें ये अच्छे से पता चल जाए, हमें जो है चैप्टर, हमारा बाब, हमारा सबक अच्छे से समझ में आ जाए। जो जो नए नए अल्फाज हैं, हमें वो पहले से पता हो कि भाई इनका मतलब क्या है, इसमें क्या बताया जा रहा है ना भाई? तो फिर क्या करें, मैं आपको नए अल्फाज बताती हूँ जो हमारे सबक में मौजूद हैं और फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारा बाब नंबर 5 का नाम क्या है? जी, हमारे बाब नंबर 5 का नाम है डोली। कितना अच्छा नाम है ना, डोली। जी, चलिए उसके देखते हैं आज नए अल्फाज। सुस्त, सुस्त, सुस्त क्या होता है भाई? काहिल। जी, जब बहुत सुस्ती हो जाए, कुछ भी काम करने को दिल नहीं चाहिए, मेरी मम्मा कहें कि जाइए भाई अपने खिलौने सारे समेटें, रखें उसको, तब कहते हैं नहीं मम्मा अभी थोड़ी देर में कर दूंगा, तो क्या होता है आपको सुस्ती आ रही होती है ना? तो वो क्या होता है, बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता कोई काम कर रहे हो, बहुत आहिस्ता काम करने वाला, इसका मतलब होता है काहिल, जो सुस्त होते हैं, जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं, है ना, उन्हें कहते हैं हम सुस्त। तो इसके हम जुमले देखते हैं कि हमारे पास जुमले क्या क्या बन सकते हैं। जो सुस्त होता है वो हर काम में पीछे रह जाता है। जी, कभी कभी की सुस्ती तो सही लगती है, लेकिन हर वक्त नहीं कि नहीं आए भी काम नहीं कर रहा मैं, अभी कल काम करूँगा, कल का काम परसों करूँगा, तो फिर क्या होगा कि आप सबसे पीछे रह जाएंगे। तो क्या होता है, जो सुस्त होता है वो हर काम में पीछे रह जाता है। हाँ भाई, और दूसरा है डोली बहुत सुस्त है। डोली के बारे में तो हम पढ़ेंगे अभी, है ना, तो लिखेंगे डोली बहुत सुस्त है। और तीसरा है गर्मियों में सब सुस्त हो जाते हैं, गर्मियों में सब बहुत सुस्त हो जाते हैं। हाँ, गर्मी में बहुत गर्मी लगती है, पसीना आता है, कभी लाइट नहीं होती है, तो क्या सुस्ती तो आ जाती है ना भाई? चलो कोई बात नहीं। अब क्या है, जो आपके पास ये 3 जुमले लिखे हैं ना, आप उनमें से कोई एक जुमला अपनी कॉपी पे लिखिएगा जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है जी। दूसरा देखते हैं उदासी। उदासी क्या होता है? उदासी जी, गमगीन जो हो जाते हैं, जब आप कहते हैं कि मम्मा मुझे आइसक्रीम ला के दें और मम्मा आइसक्रीम नहीं दिलाती हैं, तो फिर आप क्या हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, है ना। उसे कहते हैं जब किसी काम में दिल ना लगे आपका, फिर आपका ये होता है कि आप ना खेल रहे होते हैं, ना टीवी देख रहे होते हैं, ना काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आप में अंदर क्या आ जाती है, उदासी आ जाती है ना, तो ये होती है उदासी। चूजा, चूजे को बिल्ली ले गई तो मुर्गी उदास हो गई। चूजे को बिल्ली ले गई तो मुर्गी उदास हो गई। मेहमानों के जाने के बाद घर में उदासी छा गई। जी, मेहमान जब आते हैं कितना हल्ला गुल्ला होता है, मज़े होते हैं, बातें हो रही होती हैं, तो वो चले जाते हैं, एकदम से उदासी उसी हो जाती है, वही हम बता रहे हैं इस जुमले में। तीसरा जुमला है अहमद घूमने ना जाने की वजह से उदास हो गया था। अहमद घूमने ना जाने की वजह से उदास हो गया था। चलिए जी, तीसरा देखते हैं बाहर। बाहर क्या है? जी, मौसम है भाई ये। बाहर में क्या होता है कि फूल खिलने का मौसम होता है, जब हर जगह हरियाली हो जाए, फूल ही फूल आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि बाहर का मौसम आ गया है, जिसमें इस मौसम में दरख्तों पे नए पत्ते भी उगते हैं। जी, हर जगह जो है वो हरियाली होती है, ग्रीनरी होती है, पत्ते, नए फूल आ जाते हैं। और इसमें कहते हैं, इसका जुमला हम बनाते हैं, बाहर का मौसम अच्छा लगता है। बाहर का मौसम अच्छा लगता है, जी बिल्कुल, जब ग्रीनरी होगी, हरियाली होगी, तो अच्छा तो लगेगा। बाहर में लोग जश्ने बहारा बनाते हैं। जी, बाहर में लोग जश्ने बहारा बनाते हैं। बाहर के मौसम में फूलों की खुशबू फैल जाती है। हाँ, अच्छा जी। अब है खूबसूरत। खूबसूरत मीन्स प्यारा, जो बहुत प्यारी चीज़ होती है, तो वो होती है खूबसूरत। वो चीज़, इंसान, जानवर या मंजर जो देखने में अच्छा लगे, उसे खूबसूरत कहते हैं। जी, तो इसका जुमला हम क्या बनाते हैं, मरियम की गुड़िया
खूबसूरत है। अच्छा, मरियम की गुड़िया खूबसूरत है। अली के पास एक खूबसूरत घड़ी है। अली के पास एक खूबसूरत घड़ी है। बर्फबारी खूबसूरत लगती है। बर्फबारी खूबसूरत लगती है। हैरान हैरान हैरत ज़्यादा किसी अनहोनी को देखने के बाद की हालत। जी एकदम से कुछ धमाका हो जाए, कोई बिजली कड़क जाए, एकदम से बादल गरज जाए तो हम लोग हैरान रह जाते हैं, ये क्या हो गया, है ना। वो होती है हैरत ज़्यादा, यानी कि आपकी कोई अनहोनी हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो आपको हो कि नहीं ये तो नहीं हो सकती और एकदम से हो जाए तो आप हैरान हो जाते हैं। अपने दोस्त के अचानक आने पर मरियम हैरान हो गई। हाँ भाई ये कैसे आ गई, है ना भाई। अपने दोस्त के अचानक आ जाने पर मरियम हैरान रह गई। पहली बार समंदर को देखकर अहमद हैरान रह गया कि भाई ये समंदर भी कैसा होता है, इतना पानी, है ना। ये भी होता जिन्होंने समंदर नहीं देखा है। एहसन की सालगिरह अचानक मनाई गई तो वह हैरान रह गया। जी सरप्राइज बर्थडे पार्टी होती है, जब आपकी बर्थडे हो और कोई आपके लिए सेलिब्रेट करे तो आप हैरान रह जाते हैं, अच्छा मेरी बर्थडे मन रही है। जी खुश, खुश मतलब मसरूर, खुशी मतलब जिसकी मेरी मर्जी के मुताबिक कोई काम हो तो मैं खुश हो जाऊंगी, है ना भाई। क्या मेरा काम जो मैं आपको काम बता रही हूँ आप बहुत अच्छा अच्छा काम करके दे दूँ तो मैं तो खुश हो जाऊंगी, अरे भाई मेरे बच्चे जो हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्त जो हैं वो अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। इसीलिए उसे कहते हैं खुश होना। बिल्ली के बच्चे अपनी माँ को देख कर खुश हो गए। हाँ बिल्ली के बच्चे माँ को देख कर खुश हुए। सालगिरह वाले दिन अहमद बहुत खुश हुआ। बारिश में बच्चे खुश होकर खेल रहे थे। आखिरी है हमारे पास दोस्त कौन होते हैं भाई, कौन दोस्त होता है, हर कोई दोस्त होता है, कौन होता है भाई। दोस्त वो होता है जो आपकी मुश्किल में आपका साथ दे। ये नहीं कि कोई मुश्किल पड़ी और वो भाग गए तो आपके दोस्त नहीं हुए। दोस्त तो वो होते हैं जो हर मुश्किल में आपका साथ देते हैं, आपके खैर खा होते हैं, आपकी अच्छाई चाहते हैं, आपकी बुराई नहीं चाहते। जब आप किसी मुश्किल में हो जाएं, किसी मुसीबत में आ जाएं तो आपकी हेल्प करें, वो होते हैं दोस्त। इसका जुमला क्या बनाते हैं, अहमद ने मुश्किल वक्त में दोस्त की मदद की। अहमद अच्छा बच्चा है भाई। अहमद ने मुश्किल वक्त में अपने दोस्त की मदद की। फजल और करीम दोनों दोस्त साथ स्कूल जाते हैं। अच्छे दोस्त को नाराज नहीं होने देना चाहिए। जी अच्छे दोस्त को नाराज नहीं होने देना चाहिए। अब आप क्या करेंगे भाई, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि नए अल्फाज क्या थे, इनके मतलब क्या थे, इनकी मिसालें क्या थी और हमने क्या क्या जुमले बनाए थे। जी आप सारे जुमलों को देखेंगे और हर जुमले में से, यानी कि हमने हर अल्फाज के हर लफ्ज के 3 जुमले बनाए, आप उनमें से कोई भी एक जुमला जो है वो अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। अगर आपको कोई और जुमला आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, है ना, तो आप वो भी लिख सकते हैं। लेकिन आपने हर लफ्ज़ का एक एक जुमला बनाना है, अपनी कॉपी पे लिखना है। फिर जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उनको बताएंगे कि आज हमने नए अल्फाज सीखे थे, समझे थे, उनके जुमले बनाए थे, और फिर आप अपने काम की पिक्चर उनको भेज दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।